अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। 14 नंबर का जो मामला हुआ था, 12 नंबर का, उसमें पहले 4-5 अफराधी छुटे थे, बाकी के लोगों की चार्जशीट आने के बाद भी अदालत ने बेल नामंजूर की थी। हम लोगों ने दोबारा बेल दाखिल किए। इज्तिमाई तौर पे तमाम मुस्लिम वकला ने अपनी अपनी मेहनत की है और तकरीबन 2 दिन से जीरा चालू थी। अदालत ने जो DSP लता मैडम, उनको भी हिदायत दी थी कि भाई तुम एक चार्ट बना के लेके आओ और इस चार्ट में कौन से मुजरिम का क्या रोल है ये बताओ। वैसे हमने भी किए थे, हमारे तरफ से खलील अंसारी, KG अंसारी वकील ने, फारूक मेमन ने काफ़ी मेहनत करके चार्ट बनाए और पेजेस में पूरा बताए थे कि भाई सिर्फ 4 आदमी के पास इन्होंने पाइप लकड़ी के डंडा बताए हुए जिसका इस्तेमाल खतरे नहीं हुआ। आमतौर पर पुलिस जो रिकवरी पंचनामा रहता है 27 का, वो आर्टिफिशियल बनाती है, ऐसी है। इनकी केस ऐसी है कि पत्थर मारे गए और 4 पत्थर सिर्फ डॉक्टर के पास भेजे गए थे जबकि 21 आदमी जख्मी हुए। अदालत को हमने तमाम बातें बताई, कई नज़ायर बताए और फिर अदालत को बताया कि भाई जो कंपार्टमेंट पुलिस ने चार्जशीट में बताई थी FIR में, कि जिन लोगों ने रज़ा एकेडमी वाले, जमीयतुल उलमा और तमाम मजहबी जो एसोसिएशन है, इन्होंने बंद पुकारा तो उनके जो इमरान है, सदर है, ऑफिस बेरर्स को मुलजिम बनाई थी। फिर पॉलिटिकल पार्टी के जैसे मुस्तकिम डिग्निटी है और दूसरे सोशल लीडर जैसे रहमान पहलवान है, साबिर गोहर है, जावेद अनवर है, ऐसे जिन्होंने सपोर्ट किए थे इस कॉज को, इन लोगों को भी मुलजिम बनाई। और तीसरे एलिगेशन ऐसे थे कि भाई पत्थर जनी जो हुई वहाँ पर जो लोग पाए गए उसमें वो सबका नाम है। FIR में शुरू में 32 नाम बताए गए सिर्फ, जिसमें ये पहले जो एसोसिएशन वाले लोगों के नाम बताए, लीडरों के नाम बताए और कुछ मखसूस लोगों के नाम बताए गए थे। बाद में 2 महीने के बाद सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ और सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट फिर वो 10-20 लोगों के नाम बताए गए। हालांकि 6-7 लोगों को पुलिस ने 169 की थी, जिन लोगों को 169 किया उनका रोल और आज के 35 आदमी का रोल सेम था, लेकिन पुलिस ने क्यों छोड़ी, कैसे छोड़ी, बहरहाल पुलिस जानती है, वो इस बात पे भी हमने बताया। अदालत ने काफ़ी बारीक बिनी से मुताला किया। लता मैडम ने एक चार्ट पेश की, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की कि तमाम लोग पत्थरजनी में शामिल थे, इनके फ़ोटो भी है लेकिन फ़ोटो क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है। हमने कहा कि भाई अगर हम है तो पॉजिटिव बताया जाए, हम है नहीं है तो नहीं, कोर्ट ऐसा जूम आने मतलब नहीं निकाल सकते लोग। दूसरा इन्होंने बताया कि भाई मोबाइल के लोकेशन थे, चार्जशीट में किसी के CDR दाखिल नहीं है, किसी के मोबाइल लोकेशन नहीं है। हमने ये भी बताया कि हमारे पास भी YouTube के ऊपर जितने तकरीर न्यूज़ चैनल वालों ने लिए शुरू से आकर तक, वो हमने भी देखे। इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स की जो यूनियन है, उनके लोग भी आके गए थे, SP से मिले और लोगों से मिले। ऑल इंडिया सुप्रीम लॉयर्स एसोसिएशन है जिसके जजेस वगैरह भी मेम्बरान है, तो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी उन्होंने 1 महीने में आके देख के लेके गए थे, वो रिपोर्ट भी थी। तो ये पुलिस गुमराह कर रही है, कोई CDR मौजूद नहीं है, किसी का मोबाइल जमा नहीं है और वक्त पे अब इस जैसे इस्लामपुरा है, इस जो टावर हैंगे इस्लामपुरा और कॉन्स्टिट्यूशन JTT का जो है वो एकदम करीब है, तो टावर में तो आने वाले ना पूरे मकिन, वो कोई सबूत नहीं हो सकता, इनके ऊपर कोई केसेस नहीं है। और आज हमने सुप्रीम कोर्ट के 2 अहम नतीजे बताए जो केरला के ताल्लुक से थे कि वहाँ पे जो SDPI यूनियन है और दूसरे जो मुस्लिम लीग वगैरह है, इनके कोई डॉक्टरों ने ऐसी जो मुस्लिम एसोसिएशन है इनके ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट के केस किए थे कि भाई जो भी जख्मी होता है डॉक्टर लोग उनके इलाज करवाते हैं, तो ये भी लायबल है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई 66 दिन ये लोग जेल में थे, ये काफ़ी है और हक है ये एसोसिएशन का, जो इलीगल नहीं माना जा सकता। वो जजमेंट दिए कि भाई 66 दिन में वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दी, बोले कि इनको रखने की ज़रूरत है, यहाँ तो 4 महीने हो गए और किसी मुजरिम के ऊपर कोई पुराने केसेस नहीं, किसी को सियासी बुनियाद पे वो किया गया, किसी को शक शुबा की बुनियाद पे। और बताया गया कि भाई जितने पुलिस स्टेटमेंट है सब ने नाम बताया कि हमने देखे, जबकि इनके पास कोई सोर्स नहीं, नाम कहाँ से आए, किसी भी स्टेटमेंट में ऐसा नहीं है कि भाई हम इनको पहचानते हैं इसीलिए इनके नाम मालूम। बहरहाल अदालत ने बहुत बारीक बिनी से मुताला किया और माशाल्लाह सिर्फ 4 लोगों के बेल रिजेक्ट किए, हालांकि 4 लोगों के बेल भी हमारे हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल जज का अपना एक नज़रिया रहता है।
और बदकिस्मती से उसमें ऐसा हुआ कि इससे पहले जो बेल अप्लीकेशन रिजेक्ट हुई इस ग्राउंड पे, तो अदालत को भी ये बताना, अदालत तफरीक नहीं कर सकता है कि पहली बेल रिजेक्ट हुई वो डंडा मिला बोल के रिजेक्ट हुआ और दूसरा वकील आर्गूमेंट कर रहा है डंडा भी है तो छोड़ दे रहा, तो एक हिसाब से कोर्ट ने मसावात भी रखी होगी। अभी मुकम्मल जजमेंट हमें पढ़ने को नहीं मिला है, तो अभी आज 75 CR नंबर के जितने मुलजमिन थे जिसमें 4-5 सिर्फ जिया मुस्कान का हमने दाखिल नहीं किए, इसके बाद में जाहिद अनिस का चिका है जिन्होंने पहले दिन से हमको कहा कि भाई सब कुछ छुटाओ इसके बाद में मेरे बच्चे के लेना, क्योंकि ख़ासतौर पे पुलिस ने उनका रोल बताया, और भी 2-4 अफराद है, नासिर के राज वाले के बेल रिजेक्ट हुआ था, रिजवान वाले के बेल रिजेक्ट हुआ था, तो वो लोग नहीं थे। अब इंशाल्लाह हम पीर के रोज़ जिनके पहले रिजेक्ट हुए थे वो दोबारा यहीं दाखिल करेंगे और हाईकोर्ट ना जाते हुए कोशिश करेंगे कि रमज़ान लगने के पहले इंशाल्लाह यहाँ हो जाए। कल जो 74 CR है उसकी समाप्त रखी गई है, पहले से 2 दिन रखी गई थी लेकिन बीच में एक दिन इत्तेफाक से हमारे सरकारी वकील के भाई का इंतकाल हुआ तो एक दिन ज़ाय हो गया। कल 74 में जो है इंशाल्लाह उनके पास से किसी किस्म के कोई डंडे वंडे अमुक टमुक कुछ मिले हुए नहीं है, तो हमें ख्वाह उम्मीद है कि आज का जजमेंट पढ़ लेंगे हम और कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह कल का दिन भी हम लोगों के लिए अच्छा जाएगा। और हमको जज साहब जो है बहुत बारीकी से टेक्निकल जज है, एक एक चीज़ देखते हैं और बहुत मेहनत लेके उन्होंने ऑर्डर किया, तो हमको पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह कल भी फतेह होगी और रमज़ान शुरू होने के पहले इंशाल्लाह सब लोगों की जो दुआएं हैं वो अल्लाह ताला ने कबूल किया और कामयाबी के सहारा हमके ऊपर रखा। हम तमाम मुस्लिम उकला है, ख़ासतौर पर खलील अंसारी, फारूक मेमन उनके जूनियर, हमारे चैम्बर के आरिफ अंसारी, वासिफ साहब, सभी ने अपने तौर पर, हर वकील ने जो जो कर सकता था तो हमने पूरी लीड लिए। और आज सचमुच में हमें खुशी हो रही है कि आज बेगुनाह लोग जो है वो आज छूटे, वरना एक समाज में गलत पैगाम जा रहा था, डिग्निटी बड़ा आदमी इसलिए वो छोड़ दिया गया, रहमान पालवाल बड़े आदमी है तो शक शुबात थे कि इन्होंने पैसे देके तो जजमेंट नहीं खरीदे या वकीलों को तो ज़्यादा पैसे नहीं दिए, तो आवाम के जहन में मुख्तलिफ शक शुबात थे, आज ये तमाम लोग छूट गए तो जितने भी शक शुबात थे तो ऑटोमेटिक वो रफा दफा हो जाएगा। बस आप लोगों से दुआ है इंशाल्लाह कि कल के लिए भी दुआ कीजिए कि कल भी हमको कामयाबी मिले। शुक्रिया। 26 लोगों की आज इंशाल्लाह जमानत होगी, 4 लोगों की ऐसा है जिनके बेल रिजेक्ट हुई तो हमने दाखिल नहीं किए थे, इसमें से नासिर करान वाले की जो है हमने हाईकोर्ट में दाखिल किए, बड़ा वकील लगाया, काफ़ी पैसे दिए, बदकिस्मती से वहाँ भी नंबर नहीं आया, तो अब हम वहाँ से परमिशन ले लेंगे हाईकोर्ट से, वो विड्रॉ कर लेंगे और वो यहाँ पर दोबारा दाखिल करेंगे। रिजवान बैटरी वाले उनकी भी रिजेक्ट हुई थी लेकिन हम हाईकोर्ट नहीं गए, दोबारा यहाँ दाखिल करेंगे कि भाई जब 35 आदमी को आपने छोड़े, 30 आदमी को छोड़े, उनका भी रोल कम है, सिर्फ तकरीर की है बोल के, और दूसरे भी जो बच्चे हुए हैं उनकी भी इंशाल्लाह हम दोबारा यहीं दाखिल करेंगे, मगर सब लोगों की बेल जो है कल परसों तक ऑर्डर मिल जाएगी। कल के दिन है, शनिचर इतवार छुट्टी है, ये ऑर्डर में कोर्ट ने क्या क्या रिमार्क्स दिए हैं, क्या क्या हमारी बातें कबूल की हैं, क्या बात हमारी कबूल नहीं की, या हमारी कौन सी चीज़ें कम है, या हम कहाँ कम पड़े, कानून तौर पे उसका हम और अपना खुद का मुहासबा करेंगे और इंशाल्लाह पीर के रोज़ जो बाकी लोग हैं उनकी बेल दाखिल करेंगे। पीर के रोज़ हमने आयशा नगर पुलिस स्टेशन के वो रखे थे लेकिन उसमें टेक्निकल मसला ये है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट भेजी कि हमारा 11-12 लाख रुपये का नुकसान हुआ, कुछ आइसक्रीम दुकान होगा, तो वो भी हम बारीकी से पढ़ेंगे, हो सकता है कि उनका काम में 2-4 रोज़ लेट हो जाए क्योंकि ये पहले छूट जाएगा तो फिर वो कोर्ट का नज़रिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, वरना उनकी वजह से सभी का नुकसान नहीं होना इसलिए हमने वो आखिरी में रखे थे, तो हो सकता है पीर के बदले भी हम 2-4 रोज़ और तारीख ले हुए और फिर उसमें और जो भी नज़ार वगैरह बताए कि भाई कोर्ट की जहन साझे करना पड़ेगा उसमें कि भाई उन लोगों को भी इतना बड़ा जुर्म ने नुकसान भी हुआ, तो ऐसे जो और फसादत होते हैं जिसमें हमेशा नुकसान होता है वो केस और ये केस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसलिए अदालत उन्हें छोड़े क्योंकि उसमें भी चार्जशीट आ गई है, तो इंशाल्लाह उनकी भी पूरी कोशिश करेगी। खुदा ना खास्ता अगर हम नाकाम हुए तो हम फौरन हाईकोर्ट जाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि रमज़ान के पहले जितने भी महरूसिन हैं इसके पहले वो सब के सब छोड़ जाए। सुन लिए, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद यूसुफ, उबैद शमसुद्दीन अंसारी, आफ्ताब आलम इब्ने हसन, शकील अहमद, मोहम्मद इस्माइल उर्फ शकील नमक, फैसल शकील अहमद, रमज़ान खान शाही खान, रईस अहमद, अब्दुल समद, इश्तियाक अहमद, मोहम्मद मुस्तफ़ा, शेख नासिर, शेख महबूब, अल्ताफ अनवर शाह, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इसराइल, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद यूनुस, जावेद खान, अब्दुल्ला खान, अब्दुल रहीम पुकारे वाले, जिन लोगों के रिजेक्ट हुई
उसमें शायद शेख शब्बीर शेख मुस्तफ़ा, वसीम अहमद लैक अहमद, वसीम अख्तर, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद मुस्तफ़ा जी। इसके बाद में शेख आसिफ, शेख करीम, तौसीफ़ खान, नूर खान, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद रमज़ान अब्दुल करीम, मोहम्मद हारून हबीबुर रहमान, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद उस्मान, आफ्ताब एजाज बेग, शेख अलीम, शेख सलीम, आसिफ अहमद, निहाल अहमद, शेख अरबाज, शेख सरदार, शेख गयासुद्दीन, शेख आतिक अहमद की बेल रिजेक्ट किया है। ऐसा शायद चार लोगों, आतिक अहमद, जमाल अहमद, चार लोगों की टोटल जितने भी ज़मानत की अर्जी दाखिल किए थे हमने, चार अप्लीकेशन दाखिल किए थे जिसमें से चार लोगों की ज़मानत रिजेक्ट हुई। इंशाल्लाह हम दो चार उसके बाद दाखिल करेंगे। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट, होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है, हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखे, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।